कल भी मैंने आपको कहा था, अनुभवी जन जो बात कहें उनकी बात को बिना किसी तर्क कुतर्क के स्वीकार करना चाहिए, इसे श्रद्धा कहते हैं। सेवक जी महाराज ने श्रोता का गुण बताया ना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, गुरुजनों की बात में उसकी श्रद्धा हो। संशयात्मिका बुद्धि किंतु परंतु करेगी, अनेक अनेक प्रश्न खड़े करेगी और उसका दुष्परिणाम क्या होगा, समय का अपव्यय होगा, शक्ति का अपव्यय होगा। जैसे किसी कार्य को आरंभ करते समय एक उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे श्रम होता है और एक समय ऐसा आता है जब उस कार्य से उपरती हो जाती है, जब भीतर की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर काम करने में रुचि नहीं होती ना, फिर व्यक्ति को लगता है भाई थोड़ी देर हम आराम करें। तो आपने यदि अपनी साधना में भी श्रद्धा रूपी शक्ति का यदि अपव्यय किया होगा तो आप देखना थोड़े समय में आपको भीतर से भजन से ही उपरती होने लगेगी। इसलिए बड़ा सोच समझ कर इसको लगाना चाहिए, यह आपकी संपत्ति है, यह आपकी शक्ति है। पर श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। व्यर्थ के किंतु परंतु से क्या होता है, ये श्रद्धा रूपी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखिए। आप माने न माने पर आपने कुछ भी जानकर नहीं जाना है, मानकर जाना है। आपके पास जितनी भी जानकारी है ना, वो आपने जानकर नहीं पाई है, मानकर पाई है। उसका आरंभ मानने से हुआ। कोई भी पुस्तक आप आज पढ़ रहे हैं, वो पुस्तक यदि हिंदी में है तो का खागा जिस दिन आपको पहले दिन पढ़ाया गया होगा, आपने अपने अध्यापक की बात जो कि त्यों मानी थी, वहां से आपने पढ़ना सीखना शुरू किया, तब आप पढ़ पाए। कोई भी यात्रा यहीं से ही आरंभ होती है, तभी फलवती होती है। व्यर्थ के कुतर्कों से क्या होता है, आपकी श्रद्धा रूपी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए गुरुजनों की बात को श्रद्धा सहित स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु ना करिए। और अगर यह सामर्थ्य आपके पास नहीं है, ध्यान रखना आपका साधन कभी सफल नहीं होगा। सेवक जी महाराज ने पहली मांग यही बताई है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार जन जाए अनुसर है। नहीं तो क्या होगा, श्रद्धा रहित चित्त से गुरुजनों के पास जाओगे, उनकी बात में संशय होगा, उनकी चेष्टा को देखकर आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, अपनी हानि कराओगे। इसलिए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, विकसित करिए अपने भीतर, समझाइए अपने मन को। आपका मन बहुत सारी बातें आपके समझाने से समझ जाता है। बताइए अपनी बुद्धि को, ये गुरुजनों की बात है, इसमें किसी प्रश्न की कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है। भगवान भी आकर कहें, आप देखो मां गिरिजा ने यही तो उत्तर दिया कि तजौ न नारद करी उपदेशु, आन कहि सतवार महेशु। ये श्रद्धा है, गुरु चरणों में श्रद्धा है, गुरु के वचनों में श्रद्धा है, गुरु के शब्द में श्रद्धा हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ऐसा ही है। मैं आपको साधक जीवन की बात बता रहा हूं कि साधक जीवन में बड़े बड़े द्वंद आते हैं, पुराने संस्कारों के कारण समय समय पर अनेक अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको बाहर से मिल पाना संभव नहीं होता, उन सब का उत्तर आपको कैसे मिलता है, संत के शब्द में श्रद्धा होने से उन सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। कभी कभी क्या होता था कि मन में कोई जिज्ञासा हुई, कोई प्रश्न हुआ, मन ने उसका उत्तर दिया, फिर मन ने उसके सामने काउंटर क्वेश्चन किया। और फिर ऐसा होता है ना, जब आप चिंतन करते हैं तो आपके भीतर इस प्रकार विचारों का कभी कभी एक झंझावात चल पड़ता है, उस सबका समाधान कैसे होता है। तब कभी संत का कोई शब्द याद आता है, भाई संत ने ऐसा कहा है, सब प्रश्न छोड़कर इसी के पीछे चलना है। फिर भगवान की बात याद आती है, महाजनो येन गतः सपन्थाः। अरे भाई इस संसार में रहते हैं, कभी कभी अवांछित विचार मन में आते हैं, खिड़की खुली होगी तो भाई धूप भी आएगी, धूल भी आएगी, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। फिर इन संतों के शब्द याद कर लेता हूं, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भौतरिये यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत।